ओम शांति। आज नवरात्रि के नवे दिन पर सर्व सिद्धिदायक है माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। परमात्मा शिव से उन्होंने सर्व सिद्धियों को प्राप्त किया है। नवरात्र पूजन के नौवे दिन इसकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवे दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। शिव की शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन संसार में रहते न्यारा रहने की प्रेरणा देती है। इनकी एक भुजा में कमल पुष्प को भी दर्शाया है, जो कि इनके निर्लिप्तता का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषयी भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अष्ट सिद्धियां और नव निधियों की प्राप्ति होती है। कितना सुंदर यह नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ हम सभी ने नव दिन तक सुना और उसका अमृत पान किया। ओम शांति।